हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैशटैग गुड लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं विश्वेश्वरिया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलोर की। VITM इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइंस म्यूजियम है, जिसका नाम ग्रेट सिविल इंजीनियर सर विश्वेश्वरिया जी के ऊपर रखा गया है। VITM की स्थापना 1962 में हुआ, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कल्चर को दी गई है। ये कुल 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया हुआ है। यहाँ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज्ञान मिलता है। यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए। ये म्यूजियम सिर्फ बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए ही परफेक्ट जगह नहीं है, बल्कि एडल्ट्स को भी अपनी पुरानी साइंस की बुक्स फिर से एक बार याद आ जाएंगी। यहाँ का ये डायनासोरस एनक्लेव भी बच्चों के लिए काफी रोमांचक है। यहाँ के रोबोटिक एनिमल स्पाइनोसोरस, जो कि लाइफ साइज रोबोटिक डायनासोर है, ये बच्चों के लिए बहुत ही रोमांचक है। US के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के बाद ये वर्ल्ड का सेकेंड म्यूजियम है, जहां राइट ब्रदर्स के 1903 में बनाया हुआ हॉक फ्लाइट का फुल स्केल रेप्लिका है। यहाँ के फन साइंस हॉल में साइंस के साउंड्स, फ्लूइड्स, मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल मॉडल्स को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ कुल मिला के 66 एग्जीबिट्स हैं। यहाँ बच्चे इवन एडल्ट दोनों बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। सो ये एज ग्रुप फ्रॉम 3 to 12 ईयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरीके के कुछ प्रैक्टिकल एग्जिबिट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ के स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का जो हॉल है, वहाँ पे आपको आर्यभट्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट का मॉडल, रॉकेट्स, सोलर सिस्टम के मॉडल्स और साथ ही साथ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन, इसरो की अलग अलग तरह के कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मंगलयान, चंद्रयान, सारे एग्जिबिट्स को आप बखूबी यहाँ देख सकते हैं। एंड यू विल ऑल्सो बी अमेज्ड टू सी ऑल दिस एग्जिबिट्स एंड इवन यू विल एंजॉय ऑल्सो। इस म्यूजियम के स्टार्ट होते टाइम पे सबसे पहला गैलरी हुआ था इलेक्ट्रोटेक्निक गैलरी का। आज यहाँ कुल मिलाकर 7 गैलरी बनी हुई है, जहाँ अलग अलग तरीके की एग्जिबिट्स दिए हुए हैं। अभी यहाँ रिसेंटली एक 3D थिएटर भी ओपन हुआ है, जहाँ आपको डीप सी डाइविंग का अनुभव मिलेगा। जब भी आप बैंगलोर विजिट करें, सो आप VITM विश्वेश्वरिया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि कबन पार्क के नियर बाई है, यहाँ आप ज़रूर विजिट करें, आपको ज़रूर आनंद आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हैशटैग गुड लाइफ। विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो।